सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में पिछले करीब 24 घंटों से फंसे 4 साल के मासूम ने जिंदगी की जंग जीत ली और आखिरकार उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बच्चे के बोरवेल से बाहर आती उसकी मां लिपट लिपट कर रोने लगी। 4 साल का मासूम गुड्डू फिलहाल स्वस्थ है, फिर भी उसकी मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुड्डू को अपने पास पाकर माँ खुशी में उसे बार बार दुलारती रही और माथा चूमती रही। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। बच्चे के रेस्क्यू के लिए NDRF और SDRF की टीमें रात से ही जुटी रही। शुक्रवार सुबह रेस्क्यू कार्य और तेज किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे जो है स्थानीय प्रशासन, पुलिस और NDRF, SDRF और स्थानीय सभी लोगों ने इसमें कल रात से 24 घंटे से इसमें लगे हुए हैं और सभी की मेहनत है। सभी ने आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से किया, तो उन सभी की मेहनत का नतीजा अच्छा निकला। ये हमारे लिए संतुष्टि की बात है और सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चा सकुशल है। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और पूरा प्रशासन SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है और बहुत ही खुशी का विषय है। बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें उसका शुगर लेवल और सेचुरेशन लेवल बिल्कुल एकदम नॉर्मल रेंज में पाया गया एवं पहले से उसको एक डाउन सिंड्रोम की दिक्कत है। उसके अलावा अभी बच्चा जनरल कंडीशन से एकदम